Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video, we are going to discuss one of the important points of phonetics, that is the articulation of speech sounds. आपने ये देखा होगा कि मैं लगातार phonetics topic पे बहुत सारे videos बना रही हूँ ताकि सारे topics cover हो जाएं और उनका मैंने एक playlist भी बना रखा है phonetics नाम से. तो अगर आपको ये पूरी टॉपिक अच्छे से समझनी है तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो से पढ़ना शुरू करो, फर्स्ट वीडियो से पढ़ो. तो फोनेटिक्स प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ इन टॉपिक्स के बारे में जाननी है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, देन इट्स ओके. मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि फोनेटिक्स लिंग्विस्टिक्स का एक कॉम्पोनेंट है और फोनेटिक्स के अंदर में मेनली हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं. फर्स्ट, आर्टिक्यूलेशन ऑफ स्पीच साउंड्स, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, और जिसे हम कह सकते हैं प्रोनंशिएशन ऑफ स्पीच साउंड्स. सो आर्टिक्यूलेशन ऑफ स्पीच साउंड्स में हम ये देखते हैं कि कोई भी साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किन ऑर्गन्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, एयर किस तरह से पास कर रहा है, ये सब उसमें हम स्टडी करते हैं. और वैसे तो फोनेटिक्स के अंदर दो पॉइंट्स और आते हैं. वन इज ट्रांसमिशन, कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्पीकर से रिसीवर तक कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, एंड थर्ड थिंग इज़ कि रिसीवर उसे कैसे रिसीव कर रहा है, दैट इज़ रिसेप्शन ऑफ द साउंड. लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आर्टिकुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स. इनमें जो चीज़ें और हम कवर करेंगे, जो सब पॉइंट्स हैं, दैट आर, जब भी हम कोई स्पीच साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें थ्री ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व्ड होते हैं. द फर्स्ट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेकेंड इज़ द आर्टिक्यूलेटरी सिस्टम, एंड द थर्ड इज़ द फोनेटरी सिस्टम, जिसमें कि वोकल कॉर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं. नाउ गाइस, अगर मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गए हों और ये आपके लिए हेल्पफुल है, आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं और मेरा UPI ID नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. शायद ये बात आपको सरप्राइजिंग लगे कि जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम कुछ बोलते हैं, तो हमारे बॉडी का लगभग आधा हिस्सा यूज़ होता है. और बॉडी के जिन ऑर्गन्स को हम यूज़ करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, उनको बेसिकली तीन ग्रुप्स में बांट दिया गया. रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइज इन द ट्रंक ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ द मेन पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ फ्रॉम नेक टू द एब्डोमेन. द आर्टिकुलेटरी सिस्टम लाइज इन द हेड पोर्शन, हेड पोर्शन मीन्स ये पूरा सर. एंड द फोनेटरी सिस्टम लाइज इन द थ्रोट रीजन, इंटरनल पार्ट ऑफ द नेक. द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं. अगर आपने 10th तक का साइंस पढ़ा होगा तो ऑफकोर्स आप इन सारे पार्ट्स को जानते होंगे. द फर्स्ट इज द लंग्स, दो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में जिनमें एक्चुअली एयर जाता है जब हम ब्रीद इन करते हैं. सेकेंड इज द मसल्स ऑफ द चेस्ट, एक्चुअली लंग्स अपने से एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन ब्रीद इन के टाइम लंग्स को एक्सपैंड कराना होता है, मतलब उसे थोड़ा फैलाना होता है, और जब हम एक्सपायर करते हैं यानी एक्सहेल करते हैं तो लंग्स को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है, और इस काम में लंग्स की हेल्प करता है मसल्स ऑफ द चेस्ट. और एक ऑर्गन और होता है लंग्स के नीचे, डायफ्राम. द थर्ड इज द विंड पाइप, जिसे ट्रकिया भी कहा जाता है. अब विंड पाइप तो एक है पर लंग्स हमारे पास दो हैं, तो जब विंड पाइप लंग्स के पास पहुंचता है तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. दोनों को एक साथ हम ब्रोंकाई कहते हैं और एक को हम ब्रोंकस कहते हैं. ना हम ये तो जानते ही हैं कि लंग्स सॉफ्ट बॉडीज होती हैं जो हमारे चेस्ट के सेंटर के दोनों साइड एक एक सिचुएटेड होती हैं. और ये भी आप जानते हो कि जब हम सांस लेते हैं तो ये जो दो छेद होते हैं, दे आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स, उसके थ्रू हवा जाता है फैरिंग्स के होते हुए और फिर विंड पाइप में पहुंचता है. विंड पाइप के थ्रू वो दो ब्रोंकाई में जाता है और फिर दोनों लंग्स में एयर एंटर करता है. तो जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी आर ब्रीदिंग इन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन और या फिर इनहलेशन. और इस प्रोसेस के दौरान हमारा चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करता है, लंग्स भी थोड़ा एक्सपैंड करता है चेस्ट मसल्स और डायफ्राम के हेल्प से, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में एंटर कर सके. और जिस प्रोसेस में हम सांस छोड़ते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी से बाहर निकालते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन. और इसमें चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे लंग्स भी छोटा होता है और अंदर की हवा तब बाहर निकल पाती है. इस फोनेटिक्स टॉपिक में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि स्पीच साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एयर इम्पॉर्टेंट है और दुनिया भर के ज़्यादातर लैंग्वेजेस में ज़्यादातर स्पीच साउंड्स जो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ द एयर दैट वी ब्रीद आउट. जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस हवा की मदद से ही इस दुनिया के ज़्यादातर लैंग्वेजेस के ज़्यादातर साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. इंग्लिश के जितने भी स्पीच साउंड्स हैं और इंडिया के ज़्यादातर लैंग्वेजेस के स्पीच साउंड, सिर्फ सिंधी लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी लगभग सारे लैंग्वेजेस के लगभग सारे स्पीच साउंड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें उस एयर का यूज़ होता है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन वी आर ब्रीदिंग आउट. It's now turn for the second system, that is the articulatory system. इस system में जो organs आते हैं उन्हें हम organs of speech भी कहते हैं. Mainly ये कुछ organs को include करते हैं that is present in our head and neck. These organs include lips, tongue, teeth and palate. Actually this palate is a bony part जो हमारे नेजल कैविटी और माउथ कैविटी को सेपरेट करता है. मुंह के अंदर जो ऊपर का पार्ट है दैट इज दैट पैलेट. इस फिगर में जिसको रूफ ऑफ द माउथ दिखा रहा है दैट इज द पैलेट. टंग आप समझते हो, नेजल कैविटी जो पैलेट के ऊपर का हिस्सा है, नाक के अंदर जो कैविटी है, और जो मुंह के अंदर कैविटी दैट इज द माउथ कैविटी और ओरल कैविटी. और फैरिंग्स वो पैसेज होता है जो आपका माउथ खत्म होकर वहाँ पे एक स्पेस है जो नेजल पैसेज और माउथ कैविटी दोनों का एक कॉमन पाथ है दैट इज फेरेंगियल कैविटी. और उसी के पीछे वाले वॉल को कह रहा है बैक वॉल ऑफ द फेरिंग्स. और ऑफ कोर्स इन सब का हिस्सा नॉस्ट्रल्स तो होगा ही ना. जब हमें पढ़ना होता है कि कौन सा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए इन सारे ऑर्गन्स का कौन सा पार्ट किस पार्ट पे टच होगा, तो उसकी सुविधा के लिए हमने अपने रूफ ऑफ द माउथ यानी पैलेट को 4 पार्ट्स में सेपरेट किया है और टंग को हम 6 पार्ट्स में सेपरेट करते हैं. अब यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो 1, 2, 3, 4 है दैट आर द 4 डिफरेंट पोजिशंस पार्ट्स ऑफ द अपर साइड ऑफ द माउथ दैट इज द पैलेट और द रूफ ऑफ द माउथ. और जो आप ABCDEF देख रहे हैं ये टंग के 6 हिस्से हैं. रूफ ऑफ द माउथ के जो 4 पार्ट्स हैं उनके 4 अलग अलग नाम भी हैं. जो फर्स्ट पार्ट है जो टीथ और ऊपर में कनेक्शन है, मतलब जहाँ पे अपर टीथ का गम्स फिनिश होता है वो पोर्शन, उसे टीथ रिज कहते हैं. उसके बाद का जो सेकंड पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड द हार्ड पैलेट. जो उसके पीछे का पोर्शन है दैट इज़ द सॉफ्ट पैलेट. एंड द फोर्थ पार्ट इज द यूव्यूला. सॉफ्ट पैलेट को वेलम भी कहते हैं और टीथ रिज को एल्वियोलर रिज या एल्वियोलम भी कहा जा सकता है. और टंग के 6 पार्ट्स के नाम हैं द टिप, द ब्लेड, द फ्रंट, द सेंटर, द बैक एंड रूट ऑफ द टंग. टिप ऑफ द टंग रिकॉग्नाइज करना बहुत आसान है, जीव का सबसे ऊपर का पोर्शन जो थोड़ा सा शार्प जैसा सामने में होता है. एंड द ब्लेड ऑफ द टंग इज ऑपोजिट द टीथ रिज. टीथ रिज के ठीक सामने जो पोर्शन है दैट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग. बैक ऑफ द टंग लाइज ऑपोजिट द सॉफ्ट पैलेट. जो ऊपर आप सॉफ्ट पैलेट फील कर रहे थे अभी, उसके नीचे का ठीक टंग का जो पोर्शन है दैट इज द बैक ऑफ द टंग. और टंग के इस फ्रंट और बैक पोर्शन के बीच का जो पोर्शन है स्लाइट दैट इज द सेंट्रल पार्ट. और रूट ऑफ द टंग टंग के बैक के भी पीछे होता है अंदर की तरफ. और ये सारे जो पोजीशंस मैं आपको बता रही हूँ ये तब के पोजीशंस है जब हमारे स्पीच ऑर्गन्स रेस्ट में होते हैं, मींस द टाइम वी आर नॉट स्पीकिंग. हम अपने एवरीडे लाइफ में थ्रोट कहते हैं दैट इज व्हाट इज फैरिंग्स. और फैरिंग्स के पीछे का पोर्शन दैट इज द बैक वॉल ऑफ द फैरिंग्स. और जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं लड़कों में यूजुअली यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट होता है द वॉइस बॉक्स दैट इज called larynx. Third system that is the phonatory system that consists of larynx, जिसे हम voice box या Adam's apple कहते हैं,
एंड द वोकल कॉर्ड्स. ये वोकल कॉर्ड्स दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं लैरिंग्स के अंदर यानी वॉइस बॉक्स के अंदर होते हैं और एक तरफ से वो अटैच्ड होते हैं और दूसरे तरफ से वो एकदम फ्री होते हैं. तो इनका जो एंड फ्री होता है वो एयर के मूवमेंट से आराम से कभी सट भी सकते हैं और कभी आपस में दूर भी हो सकते हैं. तो जब ये वोकल कॉर्ड्स एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनके बीच का जो गैप होता है दैट इज वॉट वी कॉल ग्लॉटिस. नॉर्मली वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल सटे हुए नहीं होते, दोनों के बीच थोड़ा गैप होता है और जब भी हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं तो दोनों वोकल कॉर्ड के बीच का जो गैप उससे आराम से हवा अंदर बाहर होता है और उनमें कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं होता. दिस इज व्हेन वी आर नॉट स्पीकिंग. नाउ कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिनको प्रोड्यूस करने के वक्त ये वोकल कॉर्ड्स के बीच के डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं यानी कि ग्लॉटिस और भी ज़्यादा वाइड हो जाता है. तो वैसे स्पीच साउंड्स को हम कहते हैं वॉइसलेस साउंड्स. लेकिन कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिनके प्रोड्यूस करने के वक्त वोकल कॉर्ड्स थोड़े नज़दीक हो जाते हैं जिसके कारण जो एयर का अंदर बाहर होता है लंग्स से उसमें वो नज़दीक होने के कारण वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करते हैं और उनके बार बार वाइब्रेशन से एक तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड दोज टाइप्स ऑफ साउंड्स जो वोकल कॉर्ड्स के फास्ट वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है नज़दीक होने के कारण दे आर कॉल्ड वॉइस्ड साउंड्स. और ये जितने भी साउंड्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये सारे वॉइसलेस साउंड्स हैं. टू नेम अ फ्यू फ्रॉम द बिगिनिंग, प साउंड जो कि पी जैसे लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है एज इन स्पून. देन ट साउंड जो कि स्मॉल टी की जैसे एक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं एज इन द वर्ड स्टूल. और साउंड जो इस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय वाइब्रेटिंग द वोकल कॉर्ड्स आर कॉल्ड वॉइस्ड साउंड्स. और इंग्लिश में जितने भी वॉवल्स हैं दैट इज 20 वॉवल साउंड्स जो हमने फोनेटिक्स के फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो सभी वॉइस्ड साउंड्स के अंडर में ही आते हैं. बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं जो वॉइस्ड में आते हैं उनका ये लिस्ट है. टू नेम अ फ्यू फ्रॉम द बिगिनिंग, द ब साउंड एज इन द वर्ड बीट इसे स्मॉल बी के जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ ये एक डायग्राम है जिसके थ्रू वोकल कॉर्ड्स और ग्लॉटिस के स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की गई है. तो आप देख सकते हो ऊपर में दोनों वोकल कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, एक जगह कनेक्टेड हैं, पर नीचे से वो दोनों बिल्कुल फ्री हैं. और ये जो फिगर है वो आपको वोकल कॉर्ड्स का तब का पोजीशन बता रहा है जब आप एक वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस करते हो. तो वोकल कॉर्ड बिल्कुल दूर दूर है और आराम से एयर अंदर बाहर जाता है, वोकल कॉर्ड्स में उतना अफेक्ट नहीं पड़ता, वो वाइब्रेट नहीं करता. जो फिगर है ये वोकल कॉर्ड्स और ग्लॉटिस के तब का पोजीशन है जब आप वॉइस्ड साउंड्स प्रोड्यूस करते हो. तो बार बार हमारा वोकल कॉर्ड नज़दीक आता है, दूर जाता है, ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं. नाउ ये वोकल कॉर्ड्स वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड प्रोड्यूस करने के अलावा एक और काम करते हैं, दे डिसाइड द पिच ऑफ अ वॉइस और अ साउंड. साइंस में साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कभी दैट पिच इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड. तो एक सेकेंड में हमारे वोकल कॉर्ड्स जितनी बार ओपन क्लोज करते हैं यानी जितनी बार वाइब्रेट करते हैं दैट इज वॉट डिसाइड्स द पिच ऑफ आवर वॉइस. जब हमारे वोकल कॉर्ड्स फास्ट वाइब्रेट करते हैं तब हमारे साउंड का पिच हाई होता है और जब हमारे वोकल कॉर्ड स्लो वाइब्रेट करते हैं उस वक्त हमारे साउंड का पिच, हमारे वॉइस का पिच लो होता है. नाउ नॉर्मली जब हम कोई बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द नीड व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स वी आर स्पीकिंग हमारे वॉइस का पिच लगातार बदलते रहता है. एंड द वे इन विच द पिच ऑफ आवर साउंड चेंजेस दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटोनेशन ऑफ आवर वॉइस जो कि हम आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे, वो भी फोनेटिक्स टॉपिक के अंडर में ही आएगा. होप आपको ये सारी बातें जो अभी मैंने समझाई वो सब अच्छे से समझ में आ गई हो और खासकर टंग और पैलेट के जो पोजिशंस आपको बताए, जो डिफरेंट पार्ट्स बताए वो ज़रूर ठीक से याद कर लीजिएगा क्योंकि अगर आप वो ठीक से समझे होंगे तभी जा कर के हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स को समझ पाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉवल्स को समझ पाएंगे. क्योंकि जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आगे के वीडियोस में तो ये जानना ज़रूरी होगा कि कौन सा स्पीच साउंड किन ऑर्गन्स की मदद से प्रोड्यूस होता है और ऑर्गन्स के किन पार्ट्स के टच होने से प्रोड्यूस होता है, उनके मूवमेंट से प्रोड्यूस होता है. सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन,
शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव वंडरफुल डेज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स रिमेनिंग प्लीज फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है.